हेलो चिल्ड्रेन, हेलो ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 10 आरबीएससी क्लास थर्ड इंग्लिश। ये आपकी आरबीएससी क्लास थर्ड इंग्लिश से है और इससे पहले के 9 चैप्टर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लीजिए, ठीक है। नेम ऑफ दिस चैप्टर लिटिल प्राइड। लिटिल का मतलब क्या होता है? लिटिल का मतलब होता है छोटा, ठीक है। लिटिल का मतलब क्या होता है? छोटा। और प्राइड का क्या मीनिंग होता है? गौरव, ठीक है। प्राइड मतलब गौरव करना, अभिमान करना, ठीक है। प्राइड, लिटिल प्राइड, थोड़ा सा अभिमान करना, थोड़ा सा गौरव करना, थोड़ा सा घमंड करना, ठीक है। आप कुछ भी सोच इसको बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में हम इसे कहेंगे तो अभिमान करना होगा या गौरव करना होगा, ठीक है, अच्छा फील करना। डिस्कस, फर्स्ट इज डू यू हैव अ सिस्टर, क्या आपकी कोई बहन है, क्या आपकी कोई सिस्टर है? अगर है तो आप क्या लिखेंगे? यस आई हैव अ सिस्टर, ठीक है। अगर आपकी कोई सिस्टर है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखोगे यस आई हैव अ सिस्टर। और अगर नहीं है तो क्या करेंगे? तो नो करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपकी कोई सिस्टर है तो आप यहाँ पे लिखोगे Yes, I have a sister, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर सेकंड क्या पूछा है? Do you play with her? क्या आप उसके साथ खेलते हैं? तो अगर आपकी सिस्टर है तो आप उसके साथ जरूर खेलते होंगे, तो आप क्या लिखेंगे? Yes, I play with her, मैं उसके साथ खेलता हूँ। क्या लिखोगे? Yes, I play प्ले विद, विद का मतलब क्या होता है? साथ में, ठीक है, हर के, ठीक है, प्ले विद हर। हर किसके लिए आया है? हर सिस्टर के लिए आया है, ठीक है। यस आई प्ले विद हर, मैं उसके साथ खेलता हूँ। थर्ड इज डू यू केयर फॉर गर्ल्स, क्या आप लड़कियों की केयर करते हैं, क्या आप लड़कियों की देखभाल करते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? यस आई केयर फॉर गर्ल्स, मैं गर्ल्स की केयर करता हूँ, गर्ल्स का ख्याल रखता हूँ। तो आप क्या लिखेंगे? यस, और आपको करना भी चाहिए, ठीक है, आप जरूर करते होंगे। आई केयर फॉर गर्ल्स, ठीक है, आई केयर फॉर गर्ल्स, यस आई केयर फॉर गर्ल्स, मैं लड़कियों का ख्याल रखता हूँ, मैं लड़कियों का की देखभाल करता हूँ। नाउ लेट्स रीड दिस पोयम, चलिए इस पोयम को पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स रीड, रीड मतलब पढ़ना, पोयम के हैं, पोयम जी आपकी पोयम दी गई है, चलो इस पोयम को पढ़ते हैं। गर्ल्स आर लाइक फ्लावर्स, गर्ल्स लड़कियां जो हैं वो बिल्कुल फूलों की तरह हैं, ठीक है। लाइक्स मतलब की तरह, गर्ल्स लड़कियों को बोलते हैं, फ्लावर्स फूलों को बोलते हैं, तो जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल फूलों की तरह हैं, बिल्कुल फ्लावर्स की तरह हैं। लेट देम ब्लूम, ब्लूम किसको बोलते हैं? ब्लूम बोलते हैं खिलने को, उन्हें खिलने दीजिए, ठीक है। लड़कियां बिल्कुल फूलों की तरह हैं, आप उन्हें खिलने दीजिए, ब्लूम्स खिलने के लिए कहते हैं, जैसे खिलना, ठीक है। तो लड़कियां किसकी तरह हैं? फ्लावर्स की तरह हैं, आप उन्हें खिलने दीजिए। दे आर लाइक स्टार्स, वो तारों की तरह हैं। स्टार्स किसको बोलते हैं? तारों को, ठीक है, वे तारों की तरह हैं। लेट्स देम शाइन, उन्हें चमकने दीजिए, ठीक है। क्या कहा जा रहा है पोयम में? कि जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो बिल्कुल फ्लावर्स की तरह हैं, आप उन्हें खिलने दीजिए, और जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल स्टार्स की तरह हैं, तारों की तरह हैं, आप उन्हें शाइन करने दीजिए, चमकने दीजिए। शाइन मतलब चमकना, ठीक है, आप उन्हें चमकने दीजिए। डोंट मेक देम क्लीन एंड वाइप, क्लीन किसको बोलते हैं? साफ सफाई को, वाइप मतलब पोछा लगाना, ठीक है, आप उनसे झाड़ू पोछा मत करवाइए। डोंट मेक देम क्लीन एंड वाइप, आप उनसे साफ सफाई झाड़ू पोछा मत करवाइए। लेट देम रीड एंड राइट, उन्हें पढ़ने लिखने दीजिए, रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, आप उन्हें पढ़ने लिखने दीजिए। दे आर वेरी मच फेयर, वे बहुत अच्छी हैं, ठीक है, फेयर मतलब अच्छा होता है, वेरी मच मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। दे आर
वेरी मच फेयर, वे बहुत ज्यादा अच्छी हैं, वे बहुत अच्छी हैं, ओनली नीड योर लिटिल केयर। नीड मतलब जरूरत, आवश्यकता, उन्हें केवल आपकी थोड़ी सी केयर की जरूरत है। लिटिल मतलब थोड़ी, केयर कहते हैं देखभाल को, उन्हें सिर्फ आपके थोड़े सी देखभाल की जरूरत है। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें, डोंट मेक देम क्लीन एंड वाइप, आप उनसे झाड़ू पोछा मत करवाइए, उन्हें पढ़ने लिखने दीजिए, लेट देम रीड एंड राइट, आप उन्हें पढ़ने लिखने दीजिए, दे आर वेरी मच फेयर, वे बहुत अच्छी हैं, ठीक है, वे बहुत अच्छी हैं, ओनली नीड फॉर लिटिल केयर, उन्हें केवल आपकी थोड़ी सी देखभाल की जरूरत है। नीड मतलब जरूरत, आवश्यकता, लिटिल कहते हैं थोड़ी सी, केयर मतलब देखभाल की, ठीक है, उन्हें सिर्फ आपकी थोड़ी सी केयर की जरूरत है। डोंट कीप देम विसल, आप उन्हें घर में, कमरों में या कोठरी में बंद मत करिए, शेल कहते हैं कमरे को या कोठरी को, ठीक है, डोंट कीप देम विद इन शेल, आप उन्हें घर में ही मत रखिए, आप उन्हें कोठरी में ही मत रखिए, सो दे टू मे एक्सेल, एक्सेल का मतलब क्या होता है, निपुण, ठीक है, उन्हें किसी चीज में निपुण होने दीजिए, उन्हें उन्हें अच्छी अच्छी तरह से कोई चीज सीखने दीजिए, उन्हें निपुण होने दीजिए। जैसे आपका आपको पिक्चर दिख रही है, ये जो लेडी है ये वकील है, ठीक है, ये देखो डॉक्टर है और ये पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, इस तरह से ये भी कुछ है, तो इस तरह से नेवी ऑफिसर है, तो कह रहे हैं कि आप उन्हें सिर्फ घरों में बंद मत रखिए, आप सिर्फ उन्हें घर में मत रखिए, उन्हें सिर्फ कमरों में कोठरियों में मत रखिए, आप उन्हें किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी जगह आप उन्हें निपुण होने दीजिए, इन्हें कुछ बनने दीजिए, कीप देयर हॉबी हाई, और उनकी जो हॉबीज हैं उन्हें, उनकी हॉबीज को, हॉबीज कहते हैं शौक को, ठीक है, उनकी जो हॉबी है, उनके जो शौक है, उन्हें ऊपर उठने दीजिए, कीप देयर हॉबीज हाई, हाई मतलब ऊपर, उनके शौक को ऊपर उठने दीजिए, एंड सी देम क्वालिफाई, और फिर आप देखिए कि वो कितना ऊपर जाती हैं, ठीक है, क्वालिफाई का मतलब होता है योग्यता, ठीक है, क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, योग्यता, फिर आप देखिए, सी मतलब देखना, फिर आप देखिए वो कितनी योग्य होती हैं, ठीक है, तो डोंट कीप देम विद इन सेल, आप उन्हें घरों में, झोपड़ी में, या फिर आप सिर्फ उन्हें कमरे में तक सीमित मत रखिए, आप उन्हें जाने दीजिए, सो दे टू मे एक्सेल, उन्हें निपुण होने दीजिए, किसी न किसी उनके फील्ड में उन्हें निपुण होने दीजिए, कीप देयर हॉबीज हाय, उनके शौक को ऊपर उड़ने दीजिए, उनके शौक को ऊपर उड़ने दीजिए, हाई होने दीजिए, बढ़ने दीजिए, एंड सी देम क्वालिफाई, फिर आप देखिए कि वो कितनी योग्य हो जाती हैं, ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी पोयम थी, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नाउ सी ग्रोसरी, अब हम न्यू वर्ड देखते हैं, हमने क्या क्या सीखे हैं, ब्लूम, ब्लूम का मतलब फूल खिलना, ठीक है, ब्लूम मैंने बताया था ना ये खिलना, तो ब्लूम का मतलब होता है फूल खिलना, ठीक है, वाइप, वाइप मतलब होता है पोछा लगाना, डब्ल्यू आई पी, वाइप मतलब पोछा लगाना, सेल कहते हैं कोठरी को, कमरे को, ठीक है, एसी डबल एल सेल का मतलब कोठरी या कमरा, एक्सेल ई एक्स सी ई एल, एक्सेल का मतलब होता है किसी कार्य को निपुणता से करना, ठीक है, ई एक्स सी ई एल, एक्सेल का मतलब किसी कार्य को निपुणता से करना, बी एल डबल ओ एम, ब्लूम मतलब फूल खिलना। आप बेटा, आपको ना स्पेलिंग साथ साथ लर्न करनी है, अगर आपको स्पेलिंग लर्न नहीं होगी तो आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, तो आपको स्पेलिंग को ध्यान से सुनना है, पढ़ना है और लिख लिख के लर्न करना है, ठीक है, अभी हमने, अब हम इसके एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपके इसी वीडियो में हम आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आपकी एक्टिविटी भी करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। नाउ फर्स्ट एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी में क्या बताया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और कितने में देने हैं, वन वर्ड में देने हैं, ठीक है, एक शब्द में देने हैं आपको आंसर। तो फर्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, हु आर लाइक द फ्लावर्स,
कौन फ्लावर्स की तरह है, तो हमने देखा ना ऊपर हमने पढ़ा था कि गर्ल्स किसकी तरह है, फ्लावर्स की तरह है, ठीक है, जो लड़कियां हैं वो फूलों की तरह होती हैं, ये पढ़ा था ना हमने। और आपको सिर्फ वन वर्ड में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, सिर्फ गर्ल्स लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर आप ऐसे डालेंगे और इसमें लिख देंगे गर्ल्स, ठीक है, GIRLS गर्ल्स, ठीक है। आप बोल बोल के अगर स्पेलिंग लिखोगे तो आपको लर्न हो जाएगी साथ साथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेकेंड, व्हाट डू स्टार्स डू, जो तारे हैं वो क्या करते हैं, बताइए तारे क्या करते हैं। तारे हमने क्या देखा था पोयम की, पोयम में कि वो साइन करते हैं, ठीक है। स्टार्स क्या करते हैं, साइन करते हैं, चमकते हैं, यही स्टोरी में आपकी था ना, इसमें पोयम में देखिए यहाँ पे ये आपकी पोयम है, इसमें दिया गया था दे आर लाइक स्टार्स और देन साइन, ठीक है, उन्हें चमकने दीजिए। तो यहाँ स्टार के लिए क्या आया है, स्टार कंपेयर किया गया साइन से, चमकने दीजिए, वो स्टार हैं उन्हें चमकने दीजिए। तो तारे क्या करते हैं, वो चमकते हैं। तारों के लिए आप एक और शब्द लिख सकते हैं, तारे टिमटिमाते हैं ना, तो ट्विंकल भी आप इनके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे ट्विंकल करिए इनके लिए, चाहे फिर आप साइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पोयम के हिसाब से यहाँ साइन लिख देते हैं, जो तारे हैं वो चमकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसकी जगह ट्विंकल लिख, आप साइन कर दिए, साइन का मतलब ही चमकना होता है, या फिर ट्विंकल आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं दोनों स्पेलिंग लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना, ठीक है, आपको जो भी ठीक लगे आप लिख लीजिएगा, चाहे साइन लिख दीजिएगा, चाहे ट्विंकल्स लिख दीजिएगा। तारे टिमटिमाते हैं ना, रात में आपने देखा होगा। अब क्या है थर्ड आपका, व्हाट डू गर्ल्स नीड, गर्ल्स को किसकी जरूरत होती है, गर्ल्स को लिटिल केयर की जरूरत होती है, ये बताया गया था ना कि गर्ल्स को थोड़ी सी देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ वन वर्ड लिखना है, तो आप सिर्फ यहाँ केयर लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर वन वर्ड में ही देना है। तो आप क्या लिखेंगे, उन्हें थोड़े से केयर की जरूरत होती है, तो आप लिखेंगे केयर, ठीक है, केयर लिखकर छोड़ दीजिए थर्ड का, या मैंने आंसर नहीं लिखा है इसमें, आंसर लिख दीजिए यहाँ पे। ये आपके तीनों के आंसर हो गए, वन वन वर्ड में देने थे तो आप वन वर्ड लिख दीजिए इसमें। नाउ सेकंड में कंप्लीट दिस सेंटेंस, ये आपको सेंटेंस दिए गए, आपको कंप्लीट करने विद द हेल्प ऑफ पोयम, ठीक है, पोयम की हेल्प से आपको कंप्लीट करने हैं। हमने पोयम में देखा था गर्ल्स आर लाइक फ्लावर्स, गर्ल्स फ्लावर्स की तरह हैं, और फिर क्या बताया गया था कि उन्हें क्या करने दीजिए, उन्हें चमक, लेट देम ब्लूम, उन्हें खिलने दीजिए, यही बताया गया था ना पोयम में। देखो आप पोयम से ही इसके आंसर मिलेंगे आपको, आप देख लीजिए एक बार, ये फर्स्ट लाइन में गर्ल्स आर लाइक फ्लावर्स, जो गर्ल्स हैं फ्लावर्स की तरह, फूलों की तरह, लेट देम ब्लूम, उन्हें उन्हें खिलने दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, लेट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिख देंगे लेट देम, ठीक है, देम ब्लूम, उन्हें खिलने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, दे आर वेरी मच फेयर, वे बहुत अच्छी हैं, ठीक है, बहुत अच्छी हैं, और फिर सेकेंड लाइन में क्या था, ओनली नीड योर लिटिल केयर, उन्हें सिर्फ आपके थोड़ी सी देखभाल की जरूरत है, ओनली नीड योर लिटिल केयर, उन्हें सिर्फ आपके थोड़ी सी देखभाल की जरूरत है, ऐसी था ना। फिर नेक्स्ट में आपको क्या करना है, एंड सी देम क्वालिफाई, क्वालिफाइड के पहले आपको क्या था यहाँ पे लाइन में, क्वालिफाइड से पहले क्या लिखा हुआ था, ये देखिए आपको मैं एक बार दिखा दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ये देखिए ये है ना, ये एंड सी देम क्वालिफाई, इससे पहले आपको क्या लिखना है, कीप देयर हॉबीज हाई, उनकी उनकी जो शौक है उनके शौक को आप बढ़ने दीजिए, ठीक है। तो हाई मतलब ऊंचा उठना होता है, उनके शौक को ऊपर उठने दीजिए, तो आप क्या भरेंगे आप उससे पहले, कीप देयर हॉबीज हाई, ठीक है, आप यहाँ पे क्या भरेंगे, कीप देयर हॉबीज हाई, ठीक है,
एंड सी देम क्वालिफाई, फिर आप देखिए कि वो कितना योग्य हो जाती हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके इनको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी फोर, अब एक्टिविटी सॉरी एक्टिविटी सेकेंड, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी में आपको क्या करना है, अब मैच द वर्ड इन कॉलन ए विद द वर्ड इन कॉलन बी अकॉर्डिंग टू दियर रिलेशन, ठीक है। आपको कॉलन ए में और कॉलन बी में जो वर्ड दिए गए हैं आपको मैच करना है इनके रिलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका रिलेशन, ठीक है। फ्लावर्स, फ्लावर्स का रिलेशन किससे हो सकता है, फ्लावर खिलते हैं ना, तो ब्लूम में आप क्लिक करेंगे। ब्लूम का मतलब क्या होता है, खिलना, तो फूल तो खिलते हैं, तो आप किस में टिक करेंगे, आप इसको मैच करेंगे फ्लावर्स को ब्लूम से, ठीक है। फ्लावर्स को आप मैच कर देना ब्लूम से, ओके। नेक्स्ट इज स्टार्स, अब स्टार्स क्या करते हैं, मैंने ऊपर आपको बताया था ना, स्टार जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, तो ट्विंकल्स का मतलब क्या होता है, ट्विंकल मतलब होता है टिमटिमाना, ठीक है। तो स्टार्स ट्विंकल्स ये टिमटिमाते हैं, आप इसमें करोगे क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या करते हैं, जब बादल आते हैं तो क्या होता है, रेन होती है ना, बारिश होती है, तो क्लाउड्स बारिश लेकर आते हैं, तो क्लाउड्स रेन, जब बादल आते हैं तो बारिश होती है, तो क्लाउड्स का संबंध किससे हो गया, रेन से। पेंस, पेन से क्या करते हैं हम, पेन से हम, पेन से क्या करते हो आप, लिखते हो ना, तो पेन का को आप राइट से क्लिक करोगे, पेन से हम लिखते हैं तो पेन का आप किस से मैच करोगे, राइट से। फिर काइट्स, काइट्स को हम क्या करते हैं, फ्लाई कराते हैं ना, उड़ाते हैं, तो काइट्स को किससे मैच करोगे आप, फ्लाई से, ठीक है। फिर ब्रूम्स, ब्रूम्स किसको कहते हैं, झाड़ू को, ठीक है, बी आर डबल ओ एम एस, ब्रूम्स ध्यान रखना झाड़ू को बोलते हैं, ठीक है। और झाड़ू से क्या करते हैं, सफाई करते हैं, है ना, तो ब्रूम्स को किससे मैच करेंगे, क्लीन, क्लीन का मतलब सफाई करना होता है, ठीक है। तो ब्रूम झाड़ू से हम क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, ठीक है, तो क्लीन से आप मैच करेंगे। द सन, सन क्या करता है, सन चमकता है, सन साइन करता है, ठीक है, सन को आप किससे मैच करेंगे, साइन से, ठीक है। आप ऐसे करके इनको मैच कर लेना अपनी बुक में, पेंसिल से आप मैच कर लेना, ठीक है। सेकेंड इज मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग, अब आपको ये वर्ड दिए गए हैं, ये दिए गए हैं, इनके मीनिंग से आपको क्या करना है, मैच करना है। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, फ्लावर्स खिलना। व्हाइट का मतलब होता है पोछा लगाना। फेयर मतलब होता है सुंदर, अच्छा, साफ, ठीक है। अब हम देखते हैं, ब्लूम मतलब होता है खिलना, फ्लावर्स खिलते हैं ना, उसको ब्लूमिंग कहते हैं। और ब्लूसम का मतलब भी खिलना ही होता है, ठीक है। ब्लॉसम का मतलब भी खिलना होता है, ब्लूम का मतलब भी खिलना होता है, तो आप इसको ब्लूम को ब्लॉसम से मैच करेंगे, ठीक है। वाइप, वाइप का मतलब होता है पोछा, और पोछा जब लगाते हैं जमीन पे तो रफ करते हैं ना, रगड़ते हैं, रगड़ के सफाई करते हैं, तो वाइप का संबंध हो गया आपका रब से, रब मतलब रगड़ के सफाई करना, ठीक है। पोछा जमीन में घिसता है ना। फेयर, फेयर का मतलब क्वाइट गुड, फेयर मतलब अच्छा होता है, क्वाइट गुड का मतलब भी अच्छा होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे मैच कर लोगे। अब नेक्स्ट इज, अब आपको यहाँ फ्लावर्स दिए गए हैं और यहाँ आपको जंबल वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको अरेंज करना है, ठीक है। ये उल्टे सीधे लिखे गए हैं, आपको इनको फिर से यहाँ अरेंज करके लिखना है सही करके, ठीक है। तो ये किसकी स्पेलिंग हो सकती है, पहले तो आप ये देखिए किसकी हो सकती है, फ्लावर्स की शायद हो सकती है, है ना। तो आप यहाँ क्या इसको सही करके लिखेंगे, एफ, फ्लावर्स की स्पेलिंग क्या होती है, तो अब आप, ठीक है, तो आप ये एफ लिख लोगे, फिर आपके ये एल है ना, तो आप एल लिखोगे फिर, ठीक है, एल, और फिर क्या है आती है फ्लावर के बाद, एल के बाद ओ आता है, देखिए ओ दिया हुआ है, तो आप ओ को फिल करोगे, ठीक है। फिर डब्ल्यू भी है, तो आप डब्ल्यू फिल करोगे। फिर क्या है, ई, ई दिया है ना, ये तो ई है, ई को लिखोगे। फिर ये आर भी दिया गया, तो आप आर कर दोगे, क्या बन गया, फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर बन गया, नहीं फ्लावर है। फिर ये किसकी स्पेलिंग हो सकती है, गर्ल की, तो गर्ल की स्पेलिंग आप कैसे लिखोगे, जी, जी दिया है ना, ये देखो जी है। फिर क्या होती है, आई, आई दिया है ना, आई भी है। फिर ये आर, आर को लिख दीजिए, और फिर ये एल लिख दीजिए, तो गर्ल बन गया ना, ठीक है। फिर ये किसकी स्पेलिंग हो सकती है, स्टार है, स्टार की स्पेलिंग हो सकती है, तो स्टार की स्पेलिंग क्या होती है, एस, ठीक है, एस है ना, आप ये देखो एस लिखा हुआ है। फिर क्या लिखेंगे आप, टी, टी दिया हुआ है ना, ठीक है। फिर ए, ए भी दिया हुआ है। फिर आर, सॉरी, फिर ए और आर, ठीक है, स्टार बन गया ना। तो ये स्पेलिंग इस तरह से आपको पूरी कर लेनी है, फ्लावर, गर्ल, स्टार, ठीक है, इनको ऐसे करके आप कंप्लीट कर लेना ऐसे।
नेक्स्ट इज एक्टिविटी थर्ड। अब थर्ड एक्टिविटी में आपको क्या करना है, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। केयरफुली मतलब ध्यान से, लिसन मतलब सुनना, ध्यान से सुनिए। एंड रीड अलाउड, और तेजी से पढ़िए द वर्ड गिवेन बिलो, जो वर्ड नीचे दिए गए हैं उनको आपको तेजी से पढ़ना है। नोटिस, आप ध्यान दीजिए, नोटिस मतलब ध्यान दीजिए, हाउ द अंडरलाइन लेटर साउंड, ये जो लेटर अंडरलाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये कैसा साउंड करते हैं, ये देखो अंडरलाइन आपको दिख रही है ना, बीच वाले दोनों पे अंडरलाइन आपको दिखाई दे रही है, ये कैसा साउंड करते हैं ये आपको देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, क्लीन, ठीक है। फर्स्ट स्पेलिंग क्या है, सी एल ई ए एन, क्लीन। क्लीन का मतलब क्या होता है, क्लीन का मतलब होता है सफाई, है ना। तो क्लीन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आपको इसकी स्पेलिंग और मतलब दोनों को साथ 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 लर्न करना है। क्लीन मतलब होता है सफाई, सी एल ई ए एन, क्लीन मतलब सफाई। अब आप देखिए ई एल है ना, स्पेलिंग कैसे हम बोल रहे हैं, क्लीन, ठीक है। ऐसे रीड, आर ई ए डी है, लेकिन हम बोलते कैसे, रीड, रीड मतलब पढ़ना, ठीक है। नीड, एंड डबल ई डी, नीड, नीड मतलब आवश्यकता, जरूरत, ठीक है। सीट, सीट कहते हैं जहाज पे हम बैठते हैं, ठीक है। सीट, कुर्सी, जैसे कुर्सी है या कहीं पर भी हम कोई भी ऐसी बैठने वाली जगह है, ठीक है, जहाँ बैठते हैं चेयर पे, कुर्सी पे, ठीक है, तो उसको हम सीट बोलते हैं। बीक, ठीक है। अब डब्लू डबल ए डबल ई की, ठीक है, डब्लू डबल ई और के। वीक, वीक का मतलब क्या होगा, देखो दो वीक होते हैं, एक तो सप्ताह वाला वीक होता है और एक होता है कमजोर वीक, का मतलब कमजोर भी होता है। तो सप्ताह वाले वीक को कहते हैं जो आपके संडे मंडे ट्यूसडे आते हैं ना, सेवन डे होते हैं एक वीक में, तो इसका मतलब होता है सप्ताह। तो डब्ल्यू डबल ई के वीक का मतलब होता है सप्ताह। और एक और वीक होता है बेटा डब्ल्यू ई ए के वीक, का मतलब होता है कमजोर, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू डबल ई के वीक का मतलब क्या है, सप्ताह है, ठीक है। मीट, मीट का मतलब मिलना, एम डबल ई टी, मीट मतलब मिलना, ठीक है। मीट का मतलब क्या होता है, मिलना। आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम तो आप सभी जानते ही होंगे आइसक्रीम क्या होती है ना, गर्मियाँ आती है आइसक्रीम की याद आती है ना, तो आइसक्रीम आपको पता है जो कोल्ड थिंग होती है जिसे हम खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट द पेयर एंड रिसाइट द पोयम अलाउड इन योर पार्टनर, आपको अपने दोस्त के साथ या अपने किसी भाई बहन के साथ आपको इस पोयम को तेजी से पढ़ना है, ठीक है। रिसाइट मतलब गा के पढ़ना, अलाउड मतलब तेजी से, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। लिसन टू माई वॉइस, ठीक है, लिसन, लिसन मतलब सुनना, टू टू माई मतलब मेरी, वॉइस कहते हैं आवाज को, मेरी आवाज को सुनो, ठीक है। लिसन माई वॉइस, मेरी आवाज, वॉइस किसको कहते हैं, आवाज को, माई मतलब मेरी, लिसन मतलब सुनना, मेरी आवाज को सुनो। फील माई चॉइस, मेरी पसंद को महसूस करो, फील मतलब महसूस करना, माई मतलब मेरी, चॉइस कहते हैं पसंद को, मेरी पसंद को महसूस करो। लेट मी गाइड, चलो मैं गाइड करता हूँ, ठीक है। गाइड मतलब होता है किसी चीज के बारे में आप बताएं किसी को, किसी को गाइड करें, जैसे रास्ता बताएं या कोई सलाह दें, ठीक है। फ्रॉम ऑल साइड, ऑल साइड मतलब चारों तरफ से, चारों तरफ से, हर तरफ से मैं आपको गाइड करता हूँ। ओह माई डियर, ओह मेरे प्रिय, ओह मतलब अरे, माई डियर मेरे प्रिय, सेव माई लाइफ, मेरे जीवन को बचा लो, सेव मतलब बचाना, माई लाइफ मतलब मेरे जीवन को। फिर एक बार देखते हैं, लिसन टू माई वॉइस, मेरी आवाज सुनिए, फील माई चॉइस, मेरी पसंद को महसूस करिए, लेट मी गाइड, मुझे गाइड करिए, मुझे रास्ता दिखाइए, फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ से, ओह माई डियर, सेव माई लाइफ, मेरे जीवन को बचा लिया, ठीक है। सेव माई लाइफ मतलब जीवन बचाना। नेक्स्ट इज डिस्कस अबाउट योर हॉबीज, हॉबीज किसको बोलते हैं, पसंद को, जो आपकी पसंद हो, हॉबीज आपकी होती है जो आपकी कुछ पसंद हो, ठीक है। अपनी पसंद को आप डिस्कस करिए विद योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ, ठीक है। अपनी पसंद को आप किससे डिस्कस कर सकते हैं, अपने दोस्त से, अपने दोस्त के साथ, अपने मम्मा पापा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, किसी के भी साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी हॉबीज हो, जो भी आपकी पसंद हो, ओके। अब नेक्स्ट एक्टिविटी फोर्थ, फोर्थ एक्टिविटी में आपको क्या करना है, लुक एट
पोस्टर, या आपको एक पोस्टर दिया गया, इसे आपको देखना है। गिविन बिलो, गिविन बिलो मतलब नीचे, ठीक है। एक पोस्टर आपको ये नीचे दिया गया है, ये पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है ना नीचे। राइट टू मोर स्लोगन, आपको दो और स्लोगन लिखने हैं इन योर नोटबुक, अपनी बुक में, आपने अपने स्कूल में या कहीं पर भी कहीं देखे हो या पढ़े हो आपको स्लोगन, तो आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। एक आपको यहाँ पे लिख कर दिया गया है और आप आपको दो और लिखने हैं, ठीक है। स्लोगन किसको बोलते हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए, स्लोगन होते हैं नारे, ठीक है। स्लोगन होते हैं नारे जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। एक यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सेव द गर्ल्स चाइल्ड, ठीक है, लड़कियों को बचाओ। सेव मतलब बचाना, गर्ल्स चाइल्ड मतलब जो लड़कियां होती हैं, छोटे छोटे बच्चे लड़कियां हैं उनको बचाओ, ठीक है। तो सेव द गर्ल चाइल्ड, तो मैंने यहाँ आपके लिए दो लिख दिए हैं, आप दूसरे भी लिख सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप ये लिखें, ठीक है। तो अगर आपको ये लिखनी है तो ये लिख लीजिए, हमने दो लिखे हैं आपके लिए। गर्ल्स आर द क्रिएटर ऑफ द फ्यूचर, ठीक है, जो लड़कियां होती हैं वो भविष्य की क्रिएटर होती हैं। यू मस्ट सेव देम एट ऑल कॉस्ट, आपको हर कंडीशन में उन्हें बचाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, एवरी गर्ल्स बॉर्न ब्रिंग गुड फेथ अपॉन यू, हर एक लड़की जब पैदा होती है तो उसे आप पर गर्व होता है, ठीक है। तो आप ऐसे करके इनको लिख सकते हैं, अपने मन से कोई और भी लिख सकते हो बेटा, जो आपने कहीं पढ़े या देखे हो, ठीक है। आप कोई भी तरह से लिख सकते हो स्लोगन, छोटे छोटे स्लोगन कहते हैं नारों को, ठीक है, कोई भी नारे आप लिख सकते हो। अब ये आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, क्या करना है आपको इसमें, कलेक्ट 5 पिक्चर्स, आपको 5 पिक्चर्स कलेक्ट करनी है, कलेक्ट मतलब इकट्ठी करनी है, ठीक है। आपको 5 पिक्चर्स इकट्ठी करनी है ऑफ बैनर्स या पोस्टर, किसी बैनर से या किसी पोस्टर से, पोस्टर या अपनी नोटबुक से भी इकट्ठी कर सकते हो, न्यूज़पेपर से आप इकट्ठी कर सकते हो, ठीक है। अपनी पुरानी, आपकी जो नोटबुक, आपकी पुरानी जो बुक्स पड़ी हो उनसे इकट्ठी कर सकते हो, ठीक है, या कोई घर मैगजीन हो उससे इकट्ठी कर सकते हो, कोई 5 पिक्चर आपको इकट्ठी करनी है, ठीक है। पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, जिन्हें गवर्नमेंट ने पब्लिश किया हो, ठीक है, जिन पिक्चर्स को सरकार ने, गवर्नमेंट ने छापा हो। अबाउट गर्ल्स चाइल्ड, किसके बारे में, गर्ल्स चाइल्ड के बारे में, लड़कियों के बारे में, ठीक है, लड़कियों के बारे में कोई भी पिक्चर जो आपको पुरानी नोटबुक से, अपनी पुरानी बुक से या न्यूज़पेपर से या किसी मैगजीन से, ठीक है, कहीं से भी आप 5 पिक्चर्स कलेक्ट करिए जिन्हें की सरकार ने लड़कियों के बारे में छापा हो, ठीक है। एंड पेस्ट दें, पेस्ट मतलब चिपकाना, और उन्हें आप पेस्ट करिए, उन्हें आप चिपकाइए योर स्क्रैप बुक, ठीक है, अपनी स्क्रैप बुक में, अपनी जो आपकी स्क्रैप की जो बुक होगी उसमें आपको उन्हें पेस्ट करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और ये आपका एक प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, ये प्रोजेक्ट वर्क है जो आपको करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसको आपको कैसे करना है, ठीक है। तो इसे आप कर लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करना वीडियो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप 2-3 बार इसको देख लेना, क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके फिर आप इनको लर्न करना, ठीक है, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर भी, और स्पेलिंग जरूर आप अच्छे से लर्न करना, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।